वेलकम टू कोबरा पोस्ट। जो यूट्यूबर फर्स्ट यूट्यूबर है जो इस साइट तक पहुंच पाए हैं। क्या बात है, वी आर फर्स्ट। दो फ्लैग लगे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। जो लेफ्ट वाला जो फ्लैग है वो पाकिस्तान का है, बट जो राइट वाला फ्लैग है जिसके अंदर येलो पोर्शन है वो आजाद कश्मीर का है, जस्ट बिकॉज ये अपने आप को आजाद बोलते हैं। और देखो सामने रेंजर्स घूमते हैं उधर, वो बोर्ड के पास खड़ा होगा रेंजर भैया, पूरे बंकर है, इसको बोलते झंडा पोस्ट। मुशर्रफ वाला तो नहीं। और हालात ये है कि जो फॉर्च्यूनर है वहाँ 1.5 करोड़ की मिलती है। ओह माय गॉडनेस। जो हमें 50 लाख की मिलती है। मैगी वैगी भी खा खा के थक जाते हैं। सीमा रेखा के पार 4 रन। ओके गाइज, 8:09 हुए हैं और आज का दिन स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। कहाँ से? LOC से। तो जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लेना। भाई साहब मैं कैसे पहुँचा था यहाँ पर, क्या किया कल के दिन, मतलब हाई अल्टीमेट वाला व्लॉग था। बाकी ये अपना टेंट है, 5 स्टार बिलियन स्टार जो मर्जी बोलो, सामान वगैरह यहीं पर पड़ा हुआ है। एक लाइट यहाँ पर थी जिसको कि जला के मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था। बाकी अपना पैनियर है यहाँ पर, ये देखिए पैनियर वो रहे, टॉप बॉक्स ये रहा, टैंक बैग ये रहा, कंबल वगैरह मिल गए थे। बाकी दरिया देखो कितना तेज़ हो रखा है अभी सुबह सुबह, रात को और तेज़ हो गया था क्योंकि पानी पता नहीं कहाँ से आया यार इसके अंदर। और 2-3 बार तो मैं उठा भाई कि इतना पानी कहाँ से आया, भाई साहब मेरी फट गई थी, कहीं कोई सैलाब वैलाब तो नहीं आने वाला। तो बाहर जाकर देखा तो ठीक ठाक सा लगा, नॉर्मल सा, तब जाके नींद आई। बाकी चलो बाहर चलते हैं और जो भाई लोग मिले थे कल उनसे बात करते हैं। सनी भाई, अरे सो रहे हो, हम ही खोलते चलो। अरे गुड मॉर्निंग दीपक भाई। गुड मॉर्निंग, नींद आई सही? मेरे को तो अच्छी आई, इनको नहीं तो कुत्ते भौंकते रहे रात भर। चलो आज का दिन स्टार्ट करते ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, चाय में बनाते हैं कुछ। हाँ पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं। तो ये था इनका टेंट और वो था मेरा टेंट, बाकी 1-2 टेंट वहाँ पर भी लगे हुए हैं। और वहाँ पर अपना किचन एरिया है, वहाँ पर खा पी सकते हैं, लेकिन आज हम पकाएंगे यहाँ पर सनी भाई वगैरह के साथ, ठीक है। और देखो यहाँ पर अंकुर भाई सुबह सुबह उठ गए हैं, यहीं पे सोए थे क्या? पानी लेके कंबल रखा है। हेलो, किसी को पीनी है चाय? आ जाओ। नहीं, हम बोलेंगे हम चाय बना रहे हैं, तुम क्या बना रहे हो? अबे नहीं यार, नहीं नहीं, ये काटना पड़ेगा, ये काटना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ, वैसे बनाना भी कोई काम आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मजाक कर रहा हूँ भाई लोगों। अमन अमन है, वादियों में अमन ही अमन है इस वक्त। देखो भाई, कभी भी कहीं पर भी जाओ तो अपना कूड़ा करकट बिल्कुल समेट कर डस्टबिन में डालना बहुत ज़रूरी होता है। और कई लोगों को मैंने देखा कि यहीं पर अपना जितना भी कूड़ा है सब यहीं पर फेंक देते हैं। तो मैं बिल्कुल अपील करूंगा भाई, अपना जितना भी कूड़ा हो वो डस्टबिन में ज़रूर डालें यार, क्योंकि देखो जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना अच्छा लगता है देखने में भी। यहाँ पर कोई VIP आ रहा शायद। सो गाइस, आज का दिन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें लेनी है एक परमिशन, जहाँ तक कि कोई शायद गया नहीं है, लोकल्स लोग ही जाते हैं। एक आगे जगह है जहाँ पर कि आप 20 मीटर मतलब कि सिर्फ जो फासला है ना POK का सिर्फ 20 मीटर रह जाता है, तो वहाँ की परमिशन की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सनी भाई मेरे साथ हैं और जो दो अंकुर और लकी लकी हाँ अंकुर और लकी पता नहीं कहाँ पर गुम हो गए भाई, इन वादियों में दूसरी तरफ तो नहीं निकल गए। तो ये सीन है। बाकी आज फिर दोबारा से थोड़ा सा केरन घूमेंगे और यहाँ के अलग अलग नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो ये आ गए हम यहाँ के किचन एरिया बोलो या फिर डाइनिंग एरिया बोलो, यहाँ पर सब लोग। ये जाहिर भाई क्या चल? हाय भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, क्या चल? बढ़िया। कहाँ चल रही है? अभी हम घूमने जा रहे हैं थोड़ा सा किरण। आज तो हमें साथ नहीं ले रहे, क्या बात है? परमिशन लेके आते हैं, आपको जरूरत है परमिशन की? नहीं नहीं, मुझे, मैं तो आपके साथ वैसे भी जा सकता हूं। नहीं, हमें नहीं जरूरत परमिशन की, आप लेके आओ, आप ले लो, हम तो पीछे मैं फॉरवर्ड तक जा सकते हैं। ओके, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर कुछ बाइकर्स आ रहे हैं श्रीनगर से, जो कि कुछ यार इवेंट वगैरह है इनका, मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। हम भी बेसिकली उसी के लिए आए हैं कि टूरिज्म प्रमोट हो यहाँ का और लोग यहाँ पर आएँ, देखें कि यहाँ से कितना क्लोज़ है
पीओ के, अभी वहाँ पर भी चलेंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इंडियाज पोस्ट, यानी कि केरन का डाकघर है ये। यहाँ से कराची 1755 किलोमीटर है। सी लाहौर 740, पेशावर 474, रावलपिंडी 408, इस्लामाबाद 407, मुरी है 308, एबोटाबाद 279 और मुजफ्फराबाद 245। क्या बात है यार, अगर पुल होता तो निकल जाते हम। क्या अलग, हम सब भारत देश के वासी हैं। देश के कश्मीर टू कन्याकुमारी तक। यस, चले आगे। चलिए, इसके इनके पास है कुछ खाने का, देखते हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये केरन का गांव है जहाँ पर कि काफ़ी सारी शॉप्स भी है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, चिप्स वगैरह लगी हुई है, केक वगैरह भी है यहाँ पर। जूस, जूस लेंगे, जूस ले लेंगे, देखते हैं। जूस है, आओ जी, जूस लेंगे। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी हैं। सी ऐसी कुछ शॉप्स हैं यहाँ। रियल का वो बड़े वाला ठंडा है, उसमें रियल नहीं है सर, रियल बाहर रानी। ये क्या है? रानी सर। रम रानी, रानी पी रानी, देखा ना, नाच मेरी रानी। नाच 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 रानी मिलती है भाई यहाँ पे। चलो ये एक एक दे दो, है ना, एक एक कितनी और लूं? बस बहुत है, दो दे दो। लो जी, हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट हाईर सेकेंडरी स्कूल केरन कुपवाड़ा के, और यहाँ पर कुछ मैचेस वगैरह चल रहे होंगे शायद, जो लोकल हैं। हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो ये है यहाँ के टीचर, इनसे कुछ बातें पूछते हैं। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? यहाँ पे 200 हैं। 200? और कुछ खास बात आपके केरन की हमें बताएं? केरन की बात तो बस केरन वालों ने बताई होगी आपको, जो मिले। मैं तो स्कूल के बारे में बोल सकता हूँ नहीं, फिर भी कुछ खास आपने ऑब्जर्व किया हो केरन में? सबसे पहली चीज तो ये है, केरन में आपको एक अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा, हवा साफ है, पानी साफ है, और जो मेन चीज़ है आपको देखी भी होगी वो हॉस्पिटलिटी है यहाँ के लोगों की। जब आप यहाँ आओगे तो आपको जाने का दिल नहीं करेगा, लेकिन जब आप यहाँ का प्लान बनाते हो, मुझे लगता है कि हर एक बंदा जेन में 1000 दफ़ा सोचते हैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जब यहाँ पहुँचते हैं बोलते हैं नहीं यार, मैंने गलत सोचा, जाना चाहिए। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, इधर ये कैंटीन है यहाँ का। ओके, दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, बड़े शौक। तो ये यहाँ का कैंटीन है, यहाँ पर सारी चीज़ें, मैगी वैगी भी। खा खा के थक जाते हैं। चलो ठीक है, हमारा पेट पूजा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? पेट पूजा, पेट पूजा। थैंक यू। अंपायर को पास किया, थैंक यू। और वो जो बारिश, और इस गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। अच्छा, 2 रन। मजे की बात बताता हूँ, देखो ये जो स्कूल है ना पूरा, आप देख रहे हैं, ये इंडियन साइड में है, और उधर एक होटल है सामने ही। सी देख, वो पूरा पीओके है जी। हाँ, वहाँ पर रोड भी बना हुआ है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं उस साइड से। अमेजिंग है ना यार, स्कूल इधर, होटल उधर, रोड उनके उधर, मतलब कुछ अलग ही लेवल है यार। मतलब ये चीज़ देखना एक यूनिक है, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के सामने हमारे बच्चे इंडिया के खेल पाकिस्तान नहीं, पीओके के। हालांकि जवान पे वही रहता है ना। हाँ, एक्चुअली सो गाइस, सीन हो गया था एक्चुअली, आर्मी ने हमें परमिशन नहीं दी पीर बाबा जाने की, बता रहे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंड माइंस बिछी हुई हैं, तो मतलब इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से होती रहती है बीच बीच में, तो वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं हुआ। लेकिन ऐसी जगह आए हैं हम, मतलब कि स्कूल के पीछे, तो वहाँ से और भी क्लोज है। देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम दिखाने के लिए आपको। पूरा छान मारेंगे केरन हम। किरण, किरण कहाँ है तू? कितना पास है? हाँ काफ़ी पास है, वरना इतना पास नहीं आ रहा मैं। उधर देखो, अभी मैं हाथ ही लाऊंगा, वो बंदा हाई करेगा, एक मिनट देखो। हाय, हेलो, ये देखा। तो जी, स्कूल के टीचर ने हमें बताया कि यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है कहीं पर, टाटा पानी करके, मतलब सर्दियों के अंदर गर्म निकलता है और गर्मियों में ठंडा। तो यहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। आप सब कहाँ से हो? हम कश्मीर से, शोपियां डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, शोपियां में, शोपियां में क्या है देखने के लिए? शोपियां में बहुत सारी जगह है, जैसे कि आपने सुना हुआ है हिस्टोरिकल मगर रोड जो है, वो तवारीख में, जो मुगल पीर की गली होते हुए निकलता है, पीर की गली से दर्जन के रास्ते से गुजरता है। हाँ, और वहाँ का वाटरफॉल जो है अहरबल के नाम से मशहूर है, वहाँ के एप्पल टाउन में भी वो माना जाता है, जिसको एप्पल टाउन कहा जाता है शोपियां टाउन को।
और बहुत सारे मेवे भी वहाँ का ड्राई फ्रूट भी निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शोपियां का फ्रूट, शोपियां पुलवामा सब उसी रूट पे पड़ता है। वो तो साउथ कश्मीर में ही आते हैं। शोपियां का फ्रूट कश्मीर में सबसे नंबर वन माना जाता है। आना, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। काफी गंदा सा है लेकिन बोल रहे कि मीठे पानी का चश्मा यही है कोई कुछ हो, मुझे लग रहा है वो होगा। अरे यार वो होगा, ये नहीं होगा, धोखा खा गए हम। हाँ ये है भाई, ये है। यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी है, कहीं पहाड़ों के अंदर से निकल रहा है पानी, बिल्कुल क्लियर वाटर है और यहीं से लोग पानी भर के लेके जाते हैं। भाई साहब यहाँ से कहाँ टाइगर जाएगी और कहाँ, मेरी टाइगर तो नहीं जाती भाई यहाँ से। ये देखो ये कितनी मुश्किलों से ऊपर लेके आ रहे हैं बाइक अपनी पल्सर, जो कि बहुत ही हल्की है। पानी बहुत ज़्यादा है यार उधर, कोई रिस्क लेगा थोड़ी ना वहाँ पे। कम से कम 3 फुट से ऊपर ज़्यादा गहरा है। पत्थर देख रहे हो कितने मोटे मोटे हैं। हमारे अंकुर भाई गए देखो बाइक चढ़वाने के लिए, चढ़ गए। आगे से उठानी पड़ेगी, सही है, अब चढ़ जाएगी। चढ़ गए आराम से। बोलो टाइगर चढ़ती है ऐसे? टाइगर नहीं चढ़ती, मतलब ही नहीं भाई। ताकि 14 को उनका रहता है इंडिपेंडेंट डे, इसलिए हमने एक दिन पहले इसको ओपनिंग किया था। ओके तो कुछ प्रॉब्लम किया था उन्होंने? ना कुछ प्रॉब्लम ना वो ऐसी शोर वगैरह यहाँ पे आके किया था उन्होंने। अच्छा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, फायर वगैरह ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से तो पीसफुल बॉर्डर है ना, या होता है कुछ? नहीं अभी कुछ नहीं होता है। ये देखो अपना तिरंगा कैसे लहरा रहा है शान से। 72 फीट है ये। ओके कहाँ पर है? ओके ये वाला झंडा है जो सबसे इधर वाला ना। हाँ। जितने भी पत्थर के ना अंडरग्राउंड बंकर है उनकी रेंज। हाँ। और देखो सामने रेंजर्स घूमते उधर, वो बोर्ड के पास खड़ा होगा रेंजर भैया भी दिखा ना भैया फ्लैग के पास। हाँ ये फ्लैग नहीं वो ऊपर वाला फ्लैग है। हाँ ये आप दिखाओ एक बार। ओके यहाँ क्या फ्लैग है? हाँ ये फ्लैग है, ये उनका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सामने। अच्छा अभी आपको बंदा भी नहीं होगा इतना। ये पूरे बंकर है, इसको बोलते हैं झंडा पोस्ट। झंडा पोस्ट, हाँ ठीक ऊपर इसी रिज के ऊपर ये देखो बंकर। हाँ। ये दिखाई दे बंकर, ये सारे बंकर है देखो। हाँ। ये पूरे बंकर है उनका, यहाँ तक बंकर है, कुक हाउस इधर वाला उनका खाना वाला। ठीक यहाँ पर लगे हुए सारे बंकर्स पीओके में, बिल्कुल अपने तिरंगे के सामने देखो। अच्छा कहाँ पर है? उनके भी कैमरे लगे हुए हैं। बस फिर ठीक है भाई, घर वाले खाने की खुशबू आ रही है। खाली होना मिल लगा। हाँ, खाली जब घर छोड़ते हैं ना फिर बाद में खाने की याद आती है। वाह जी वाह। तो भाई साहब पार्टी हो रही है यहाँ पे केरल में। देखो भाई रोज खाना खाते हैं लेकिन इंडियन आर्मी के साथ बैठ के खाने का मजा ही अलग है। क्यों? बिल्कुल है ना, मजा आ गया। छोले की सब्जी, छोले चने की सब्जी, दाल है, चावल है, सब कुछ, मतलब 5 स्टार फेल है भाई। चिकन भी है, महंगी आइटम का नाम नहीं लिया। ओके तो जी खा पी के आपा चले अपने टेंट विच। मुझे भी पंजाबी शुरू हो गई। आपा चले रोटी रोटी खा के आपके टेंट च। थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी निकलने लगी है। ये देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए हुए कुपवाड़ा से और ये भाई बंक करके आया हुआ है। अगर इस भाई के कोई स्कूल के प्रिंसिपल देख रहे हैं तो इसको पनिश किया जाए। गौर से देखिए, ये केरन घूमने आए हैं। सही में पता चल जाए। कुपवाड़ा और तो सारे कुपवाड़ा से, क्या क्या नाम है आपका? नाम बोलो एक बार। साजिद, वैश। आपका क्या था? सुनीत, जुनैद, मुशर्रफ। वो वाला तो नहीं भाई तुम्हारा? साहिब सिंह।
उधर वाली नदियों पार सजन दा थाना। सो गाइस देखिए यहाँ पर काफी सारे बाइकर्स आए हुए हैं जो कि कुपवाड़ा से हैं और एक रैली थी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। बाइकें उनकी दूसरी साइड खड़ी हुई है क्योंकि भाई पानी ज्यादा है तो कोई लेके नहीं आ पाया, जैसे कि अपनी टाइगर नहीं आई। तो ये देखो एक ही ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये है कुपवाड़ा पुंछ। ये तो बहाना है, असली तो यहाँ खाना है और उधर कॉफी चाय है। कॉफी चाय है दूर हो लेकिन हिस्सा तो हमारा हो ना। हमने सोचा यहाँ पे आए, आपका कल्चर हमसे डिफरेंट तो है नहीं लेकिन थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन है, थोड़ा सा हम भी बोल लेते हैं आपकी भाषा तो थोड़ा सा है, इसलिए मैंने उर्दू यहाँ पे बोला। बिकॉज बहुत सारे उर्दू बर्रा में पहाड़ी भी बोलता हूँ, गुजरी भी बोलता हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये नजारा देख के हमें अच्छा लगा। बाइक पे जो हमें थकान हो गई थी वो पूरी निकल गई। बेहतर कि आप यहाँ पर है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमें भी ये बताने के लिए कि हम भी बाइक चलाना तो सभी जानते हैं माशाल्लाह, हम भी जाके इसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो भाई अभी उमेश भाई हमारे साथ, तो इनका इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन ये हमें यहाँ का पूरा एरिया घुमाने वाले हैं अभी। सबसे पहले मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूंगा। हाँ। ये जो है सामने जो आप देख रहे हैं, उधर चलते हैं पहले, उधर चलते हैं। ये पीओके है सामने। हाँ। जो कि शायद थोड़ा बहुत इन्होंने एक्सप्लोर कर दिया होगा भाई ने अभी तक, दीपक भाई ने, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें डीप लेके जाना चाहूंगा। ये जो इन्होंने अभी ये यहाँ पर दो रोड बने हुए हैं, ये एक्चुअल पीओके है, पाकिस्तान नहीं है हमारे सामने। और इस पीओके में एक ये नीलम के नाम से है, पहले ये भी किरण के नाम से था बट अभी इसको इन्होंने इसका नाम चेंज करके नीलम रख दिया। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसका ये लोअर नीलम है, ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो अपर नीलम है। जिसमें जो लोअर नीलम है ये इनका टूरिज्म के वजह से इनका ये रोड बना है जिसको लोअर LNVR बोलते हैं, लोअर नीलम रोड। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो रोड है ये एक्चुअली डिफेंस के लिए यूज करते हैं। ये जो जा रहा है नहीं, जो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है आप देखेंगे, उस तरफ से ऊपर जा रहा है, इसको इन्होंने चाइना ने इनको सपोर्ट किया है इस रोड को बनाने के लिए क्योंकि ये एज ए डिफेंस रोड इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप उस तरफ देख रहे होंगे वहाँ पे दो फ्लैग लगे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। जो लेफ्ट वाला जो फ्लैग है वो पाकिस्तान का है बट जो राइट वाला फ्लैग है जिसके अंदर येलो पोर्शन है वो आज़ाद कश्मीर का है। जस्ट बिकॉज ये अपने आप को आज़ाद बोलते हैं इसलिए ये इस फ्लैग को लगाते हैं ताकि आज़ाद कश्मीर का फ्लैग अलग से हर किसी को पता चल जाए आज़ाद कश्मीर है। एक राज की बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे हैं, हम जो पांच लोग हैं ना जी सब पे नजर है, एक एक कदम पे। यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना इजाजत के। ये और क्लोज आ गए, देखो सनी भाई, सनी भाई, सनी भाई, केरन का बीच देखा? नहीं देखा। ये रहा सी भाई साहब, बिल्कुल बीच वाली फील आ रही है यहाँ पे। तो देखो कैसे लहरें इधर आ रही है और वो रहा पीओके बिल्कुल सामने, बिल्कुल क्लोज, उधर के बाइकर जा रहे हैं, देखो हाथ कर रहे हैं। ये है जी इंटीरियर केरन जो कि आप देख रहे हैं, देखिए घर देखिए खेत देखिए, ज़्यादातर जो खेती है वो मकई की हो रखी है और मतलब मकई दिख रही है। और वहाँ पे देखो वो बब्बू गोशे, बब्बू गोशे कितने सारे भाई? सेब नहीं है भाई, बब्बू गोशे लग रहे हैं। एप्पल है, ग्रीन एप्पल यार, इतना बड़ा तो नहीं होता भाई एप्पल। ग्रीन एप्पल नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे टाइप के बब्बू गोशे है भाई। हाँ, ये बब्बू गोशे, ये बब्बू गोशे जो पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना। हाँ, एक्चुअली उनके पास एक भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, सारा इंपोर्ट होता है। और हालात ये है कि जो फॉर्च्यूनर है वहाँ 1.5 करोड़ की मिलती है, जो हमें 50 लाख की मिलती है। और 30 लाख तक की गाड़ी में भी एयर बैग नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल, कोई फैसिलिटी नहीं, सिंपल सिंपल। इंडिया इज बेस्ट, उधर नहीं जाना। और इस बात को लेकर ना वो इंडिया को इतना जय जयकार करते हैं ना, कभी यूट्यूब पे देख रहे उनके। अच्छा, तो साला यहाँ पे वैगनर में भी एयर बैग मिल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। बात है, और इंडिया में है ना अपनी इंडियन कंपनी, टाटा है, महिंद्रा है, कितनी बड़ी-बड़ी कंपनी है, मारुति है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन चल रही है भाई। टाटा को एक बार पाकिस्तान से ऑर्डर आया। अच्छा, गाड़ियों का बहुत बड़ा ऑर्डर था, टाटा ने मना कर दिया, पाकिस्तान को नहीं देंगे। ओ सही है, सीरियसली? हाँ, मैंने भी सुनी थी, रतन टाटा का बयान आया था कि पाकिस्तान को नहीं देंगे चाहे जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर दे दे। सही बात है। इन्होंने नाम वैसा चेंज किया है, इस एरिया का नाम इन्होंने नीलम रख दिया, बट यू कैन मैक्सिमम रिसोर्टों के नाम अभी भी रिसोर्ट्स के नाम किरण के नाम पे हैं, जस्ट बिकॉज ये पहले किरण ही था। और आज भी इसको यूट्यूब पे आप या कहीं भी सर्च करेंगे किरण के नाम से ही आएगा, नीलम के नाम से जल्दी से नहीं आप शो करेगा। अरे गाड़ी देखो ना यार, गाड़ी देखो, टोयोटा लिखा हुआ है, टोयोटा टोयोटा लिखा हुआ है। अलाउड ही नहीं है। सो गाइस राइट नाउ ऐसी जगह पहुंच चुके हैं
जहाँ पर कि एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, लेकिन उससे पहले हमें ये पहाड़ क्रॉस करना पूरा ऊपर, फिर जाके हम कहीं और पहुंचेंगे। लेकिन जो स्पेशल चीज है ना वो देखो, बस इसके आगे नहीं, ओ इससे आगे नहीं जाना, इसके आगे बिल्कुल नहीं जाना। हाँ जी, ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे है कोबरा पोस्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू कोबरा पोस्ट, और यहाँ से आगे भाई खतरा है। तेल निकल गया भाई, तेल निकल गया कहाँ चढ़ा दिया भाई, पूरा ही पहाड़ क्रॉस करा दिया। बॉर्डर पार हो चुका है भाई, उमेश भाई नहीं होते तो भाई साहब हम आते बोल जाते ही नहीं, सीधी बात है। सो गाइस फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी चढ़ने के बाद भाई यहाँ पे पहुंचे। ये देखो एक फ्लैट लैंड है पीछे हमारे, और नीचे देख रहे हो आप, ये ड्रोन व्यू है पीओके का नहीं जी फोन से बना रहा हूँ, और ऊपर से जो नज़ारा है ना वो देखिए, पूरी रोड उनकी दिख रही है ऊपर से। नीचे कोबरा पोस्ट तक आते हैं, कोबरा पोस्ट तक आते हैं। ये कौन सा गांव है वैसे, किरण ही है? बाला किरण, बाला किरण, वो जो कह रहा था, कह रहा था ना, किरण को हम बाला किरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये हम अभी बाला किरण के अंदर हैं, हम पाइन किरण होते हुए सीधा वापस टेंट वैली में। ओके, टेंट वैली भाई, तो ऐसा व्यू है जी। देखो एक चीज सिखाई हमें अंकुर भाई ने कि पहले यूट्यूबर है हम यहाँ पे आने वाले इस गाँव में। कौन सा था ये नाम? बाला किरण, बाला किरण, किरण में बहुत, मैंने बोला है किरण में बहुत लोग आए हैं, बट बाला किरण के जो इतनी हाइट है उस हाइट में पहली बार ये लोग पहुंच पाए हैं, जो यूट्यूबर फर्स्ट यूट्यूबर है जो इस साइट तक पहुंच पाए हैं। थैंक्स टू उमेश भाई, जबरदस्त जीत ही अलग किया ना, आ रही ना मस्त मस्त वाली। तो गाइस आज का दिन वर्थ रहा भाई साहब, इतना मज़ा आया ना, जो हमारे आर्मी के भाइयों ने खिलाया पिलाया, जो इतना प्यार दिया वो नेक्स्ट लेवल का था। बाकी अभी कैंपिंग के दौरान हमने ये बनाया अंडा वगैरह, तो यही खाएंगे अभी, और फिर कल कहाँ निकलेंगे भाई लोग? कल निकलेंगे हम लोग, बताएंगे अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, हमें नहीं पता, क्लियर नहीं। हाँ, तो अगले ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करना भाई साहब, और अब आज का ब्लॉग एंड करते हैं सीधा से? तो आप करते हैं बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड क्या भाई, सायोनारा। इधर भी सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा।